ओके राजीव प्रमोशंस चल रहे हैं, राजीव 2 का ट्रेलर आ चुका है और सभी ने बहुत पसंद किया, लाइक इट्स 50 मिलियन जो क्रॉस कर चुके हैं यूट्यूब पे एंड इट्स ट्रेंडिंग आल्सो। बट आपको पर्सनली किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरीके से डीएम्स और मैसेजेस आ रहे हैं फैन से? मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड कि आश्रम जैसा कंटेंट बन रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फर्स्टली अगर आप काम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, यू विश कि भाई ऑडियंस को भी उतना ही पसंद आए जितना हमको काम करने में आया. और एब्सोल्युटली राइट, सो एक तरीके से आई वॉज वेरी हैप्पी कि चैप्टर 1 को ऑडियंस ने बहुत लाइक किया, राइट. लाइक एंड द थिंग इज, पर्सनली स्पीकिंग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे अक्वेंटेंसेस जिनसे मैंने बहुत सालों से बात नहीं की थी, दे रीच आउट एंड दे सेड कि उनको कितना पसंद आया. एंड या एक तरीके से चैप्टर 1 वाज ऑल सेटिंग अप द प्लॉट, सेटिंग अप द कैरेक्टर, सेटिंग अप द कैरेक्टर का यूनिवर्स वगैरह. एंड चैप्टर 2 विल बी बेसिकली मोर एक्शन ओरिएंटेड, मोर यू नो कैसे प्लॉट अनरैवल होता है एक तरीके से. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज मतलब हर कैरेक्टर की जर्नी होती है, उसी तरह मेरे भी कैरेक्टर की एक जर्नी होगी चैप्टर 2 में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड जस्ट लाइक एवरीबडी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आश्रम चैप्टर 2. ओके राजीव, आपने वेब सीरीज किया है और आपने मूवीज भी किया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब आपको आश्रम का ऑफर आता फ्रॉम प्रकाश सर, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? हैव यू गिवन वन थॉट कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, हमें करना चाहिए, बिकॉज बिकॉज यू नो वर्किंग विद अ लेजेंड लाइक हिम इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज एन एक्टर एंड वेल एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल. तो मतलब बिल्कुल मैं दुविधा में नहीं था, आई वॉज लाइक ये तो करना ही है. एंड बिकॉज लाइक आई सेड, बिकॉज द स्क्रिप्ट वॉज सो गुड एंड द स्टोरी इज सो गुड एंड इट्स सो होता है आजकल दुनिया में होता है, ऐसा है, इट्स ट्रूथ कि कभी कभार वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, देर आर पीपल जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो कोई ये कहानी बता रहा है. सो आई वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ इट एंड आई लव द जो मेरा कैरेक्टर है इसमें, मुझे वो भी बहुत पसंद आया, जो ही इज अ जर्नलिस्ट एंड ही स्टैंड्स जर्नलिस्ट फॉर, इज अ रिपोर्टर, या ही स्टैंड्स फॉर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ट्रूथ एंड ही कैन डाई फॉर इट, यू नो. तो एक तरीके से दैट्स व्हाई इट वाज वेरी अट्रैक्टिव फॉर मी. ओके राजीव एज अ की जर्नलिस्ट, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, बिकॉज आप कोई भी एक्टर कोई भी किरदार निभाता है तो उसके लिए वो पहले प्रिपरेशन करता है, वर्कशॉप देता है। एनी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन और एनी सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप यू हैव टेकन फ्रॉम आश्रम टू आश्रम टू मतलब टू प्रिपेयर फॉर द कैरेक्टर ऑफ अक्की फॉर कैरेक्टर? आश्रम. सो लाइक एवरी एक्टर हैज हिज प्रोसेस, मतलब राइट, टू प्रिपेयर एंड ऑल ऑफ दैट. एंड समटाइम्स प्रोसेस ऐसा भी होता है कि हम बता नहीं सकते थे एग्जैक्टली हम करते क्या है, क्योंकि कभी कभार इट्स वेरी, एवरीथिंग इज वेरी इंटरलिंक्ड. बट लेट्स से जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, देन यू कैन गेट अ आइडिया कि भाई कैरेक्टर की दुनिया कैसी होती है ना. एंड समटाइम्स यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन कि ओके वो ही मस्ट हैव ग्रोन अप लाइक दिस, वो ऐसा बना क्यों, बिकॉज हम वी ऑल आर बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस वी हैड, राइट. तो एक तरीके से एग्जैक्टली, सो जितने भी, तो यू यूज योर इमेजिनेशन टू क्रिएट अ बैक स्टोरी फॉर द कैरेक्टर एंड यू ऑब्वियसली स्टडी कि भाई हिज प्रोफेशन इज अ जर्नलिस्ट एंड अ रिपोर्टर एंड वट काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट ऑल्सो इज गिवन इन द स्क्रिप्ट. तो आप अपने इमेजिनेशन को फिर से यूज करके यू बिकम दैट काइंड ऑफ रिपोर्टर व्हिच इज डिमांडेड फ्रॉम द स्क्रिप्ट. एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर डन टू क्रिएट अ कैरेक्टर, बट ये इट इज माय, लाइक आई लाइक टू पोर्ट्रे डाइवर्स कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट, लाइक यू नो, लाइक इट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर मुझे एक ही टाइप का किरदार मैं हर चीज में निभाऊं, जो आज तक नहीं हुआ है थैंकफुली. सो आई एम ग्लैड कि मुझे ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करने को मिला. ओके राजीव, आपने पर्सनली कितना एंजॉय किया है बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड आश्रम? ओ लवली, बहुत एंजॉय किया है, बिकॉज आल्सो बिकॉज ऐसे लोग, बिकॉज एज एन इंसान आल्सो ही इज वेरी ट्रूथफुल ना, कि वो एंड ही स्टैंडिंग फॉर द राइट कॉजेज, ही स्टैंडिंग फॉर द राइट थिंग्स. तो आई एंजॉय दैट कंप्लीटली कंप्लीटली. ओके आश्रम 1 तो सुपर 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 हिट रहा है, आश्रम 2 11th of November को हम देखेंगे एमएक्स प्लेयर में। बट आपसे जानना चाहूंगी कितना प्रेशर है, क्योंकि आश्रम तो ऑलरेडी सुपर हिट है और फैंस को काफी कुछ एक्सपेक्टेशन है आश्रम 2 से, तो कितना कुछ प्रेशर है कि
फैंस को पसंद आएगा नहीं, क्योंकि ट्रेलर तो ऑब्वियसली लोगों ने पसंद कर लिया, तो एक अलग ही एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है आश्रम टू के लिए। हाँ, वो तो है, बट आई फील प्रेशर उतना, आई गेस देयर इज, मतलब वो होता है कि वो एक्सपेक्टेशन अगर इतनी बढ़ जाती है, राइट, बिकॉज यू, बिकॉज ऑडियंस को, जैसा आपने कहा, उनको चैप्टर वन बहुत ही पसंद आया, बट प्रेशर उतना मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज आई फील कि चूंकि चैप्टर वन ऑडियंस को इतना पसंद आया, दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू चैप्टर टू, क्योंकि उनको उनको दे वॉन्ट टू सी की कहानी कहाँ जाती है। जी. तो आई होप कि जितने लोगों ने आश्रम वन देखा उसे डबल आश्रम टू देखें, बिकॉज यू नो व्हेन दे सी की कहानी कहाँ जा रही है, पॉसिबली जिन लोगों ने नहीं देखा हो आश्रम वन वो भी देखें भाई, देखते हैं कि व्हाट आर पीपल टॉकिंग अबाउट। सो आई एम होपिंग कि और ज्यादा लोग देखें और ज्यादा पसंद आए लोगों को आश्रम चैप्टर टू। ओके, अक्की का किरदार एज इट इज सेम ही दिखने वाला है कि उसमें भी कई सारे शेड्स जो हैं हमें आश्रम टू में नजर आएंगे? बहुत सारे शेड्स नजर आएंगे आश्रम चैप्टर टू में, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर का ग्राफ है बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ज्यादा बता नहीं सकता अभी बिकॉज इट विल बी स्पॉइलिंग द फन एंड रिवीलिंग द स्टोरी, बट एक तरीके से यू सी हिम एंटर द आश्रम, इतना मैं बता सकता हूँ कि वो आश्रम घुसता है एंड देन यू सी कि वो कैसे देख रहा है कि इतना सारा अन्याय हो रहा है वहां पर, एंड हाउ ही ट्राइज टू हेल्प एवरीबडी हू इज गेटिंग एक्सप्लॉइटेड देयर टू यू नो टू गेट जस्टिस, और एक तरीके से बिकॉज ही स्टैंड, जो चैप्टर वन में आपने देख ही लिया था कि ही स्टैंड्स फॉर व्हाट इज राइट एंड ही वांट्स टू फाइट फॉर underprivileged and everybody who's being wronged. So ek tarike se chapter 2 mein jaake you'll see ki wo kaise wo kya kya steps leta hai to actually fight for all of them. Okay Rajiv, jaise ki Mirzapur 2 ko aane ke liye ek saal lage and ashram chapter 2 ko like within a month ashram 2 ka chapter 2 aa chuka hai, how you manage like shooting kis tarah se rahi, like it was difficult back to back shoots the, kis tarah se manage kiya aap logon ne? Wo hai ki jab ek acha atmosphere create ho jata hai set pe, jab cast, crew, director, right, everybody, jab when they all get along and when there's everybody is moving towards one goal ki bhaiya hame ek acha series banana hai, then no matter how long the shooting schedule is, no matter how tiring it is, no matter how cold it is, ki bahut thand thi January, February or December mein wahan par, you still enjoy the process, because jab aapke saath mein jab sab log itne acche hain aur everybody is giving it their 100%, then automatically, I mean, you also obviously give your 100%, and you know, and thereby you enjoy the process so much ki pata nahi chalta ki kitna shoot kiya hai, and sometimes you wonder ki yaar, kabhi kabhi aisa bhi hota hai na last day of shoot mein lagta hai ki are yaar khatam ho gaya, I wish it had gone on for a bit more. So matlab shooting schedule lamba tha, schedule I guess tiring bhi tha because lamba tha, but I would say ki it was completely enjoyable because jo cast tha, jo crew tha, it was fantastic. Okay, kya kuch miss kar rahe hain is waqt, like shooting ke waqt jo kuch aap log ki memories hai, kuch ek memories aap share karna chahenge jo aap bahut hi zyada miss karenge aur aapke zehen mein hamesha rehne wali hai? Well, hopefully we'll shoot for ashram again, so that's but why, like I said ki जस्ट क्योंकि इतने सारे, एक प्रॉपर ऑनसेम्बल कास्ट था ना, मतलब इतने सारे इंटरेस्टिंग एक्टर्स थे, उनके साथ इंटरेक्ट करके इतना मजा आया, आई थिंक प्रॉब्ली दैट, बिकॉज आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है हियरिंग फ्रॉम एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस, दैट बेसिकली उसको मिस करते हैं। ओके, इतना बड़ी कास्ट है इसकी एंड अमेजिंग एक्टर्स है इसके अंदर, जिसके चलते आश्रम सुपर डुपर हिट रहा है, आपसे जानना चाहेंगे आपकी पर्सनली कितनी अच्छी बॉन्ड बनी है सेट पे और किससे अभी भी आप in touch hai after completing shoot? Sabse abhi sabse for instance mere zyadatar scenes I think Darshan ke sath the aur Anupriya ke sath the, and I think I mean chapter 2 ke bare mein zyada batana nahi chahta ki iske sath mere scenes the usme, but what I'm saying is ki jitne bhi log hain cast ke unke sab ke sath ek alag bonding hai aur ek alag ek connection hai, and because like I said bahut hi blissful shoot raha ye, so sabke sath ek acha connection hai, and it's always, and I'm sure ki agar jab hum kal milenge to it'll almost feel ki are hum kal hi to mile the, you know, waisa rahega. So okay, trailer dekhne ke baad jo sabse bada question sabhi fans ke dil mein utha hai wo ye hai, rakshak ya bhakshak, us pe kuch aap clarification dena chahenge?
वो तो चैप्टर टू देखना ही पड़ेगा ना, मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। ओके फैंस का एक और सवाल है राजीव, ये ट्रेलर देखने के बाद सभी इस सीरीज को राम रहीम के लाइफ से काफी कनेक्ट कर रहे हैं, उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? लाइक इज इट आपने सब बाबाज जो भी हैं राम रहीम एंड ऑल उनसे इंस्पायर्ड होके कहीं ना कहीं ये सीरीज बनी है? It is a series of fiction. It's a fictional story and it's set in a fictional town. So I don't think so, no. Okay. 11th of November ko aa rahi hai series. Usse pehle fans ko aap kya kehna chahenge? Like what sort of messages you want to give to your fans? I would like to tell them ki please chapter 1 phir se dekho taki refresh ho jaye aapka memory aur and just eagerly please watch chapter 2 aur apne family, friends, relatives sabko bolo ki Ashram dekho. That's it. Okay. Okay, thank you so much.